अमदावाद सूरत वडोदरा अने राजकोटमां रात्रि कर्फ्यू यथावत रहेशे। सरकारमां रहेला उच्च सूत्रो अनुसार कोरोनानी स्थिति काबूमां न आवे त्यां सुधी सरकार रात्रि कर्फ्यू हटावा अंगे कोई ज विचारणा नथी करी रही। गृह राज्यमंत्री प्रदीपसिंह जाडेजाए आधिकारिक रीते कर्फ्यू नहीं हटावानी जाहेरात पण करी हती। तेमणे कह्युं के हालमां रात्रि कर्फ्यू हटावानी कोई विचारणा नथी, कोईपण संजोगोमां कर्फ्यू यथावत रहेशे। दिवाळी बाद कोरोनानी वणसेली स्थितिने ध्यानमां राखीने सरकार द्वारा प्राथमिक तबक्के शनि रवि माटे अमदावादमां संपूर्ण कर्फ्यूनी जाहेरात कराई हती। त्यारबाद अमदावाद सहित महानगरोमां रात्रि कर्फ्यूनी जाहेरात कराई। 16 नवेम्बरे आ रात्रि कर्फ्यूनी जाहेरात करवामां आवी। नोंधनीय छे के रात्रि कर्फ्यूने लईने खाणीपीणीना धंधार्थीओ तेमज अन्य व्यवसाय साथे संकळायेला अनेक क्षेत्रना लोकोए रात्रि कर्फ्यूमां छूटछाटनी मांगणी करी छे। कर्फ्यूनो समयगाळो घटाडवानी पण मांग छे, केम के घणा सेक्टरमां रात्रि कर्फ्यूना कारणे बिझनेसने व्यापक असर पड़ी छे। खास करीने थोड़ा दिवसमां 31 डिसेम्बर पण आवी रही छे त्यारे रात्रि कर्फ्यू हटे तेवी प्रबळ मांग हती, परंतु हालमां रात्रि कर्फ्यू नहीं ज हटे तेवी स्पष्ट जाहेरात प्रदीपसिंहे करता तमाम क्षेत्रना लोकोनी आशा पर पाणी फरी वळ्युं। जो कोरोनाना संक्रमणथी जिंदगी बचावी अत्यंत आवश्यक छे, राज्यनी अंदर राज्य सरकारना प्रशासनना उत्तम पगलाओना कारणे कोरोनाना संक्रमण ने अटकावानी अंदर आपणे सफल रह्या छीए, अनेक लोकोनी जिंदगी बचावानी अंदर पण आपणे सफल रह्या छीए। एटला माटे हूँ मानू छू कि ज्यां सुधी आवश्यकता होय त्यां सुधी कर्फ्यूना समयमां के बाकीना नीति नियमों जे गाइडलाइन छे एनी अंदर आपणे हाल कोई सुधारो करवा मांगता नथी।